ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਈਪੈਡ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਟੀਵੀ चीन दे विच जदों विद्यार्थी पेपर दिंदे ने तां उहनां नूं अजिही वड्डी सारी स्क्रीन दे उपर मोनीटर कीता जांदा है। इस स्क्रीन नूं कई लोग देखदे ने ते ओह इह चेक करदे ने कि कितें कोई विद्यार्थी नकल तां नहीं कर रहा। चीन दे विच पेपर देण तों पहलां बच्चिआं दी हर इक चीज़ दी चैकिंग कीती जांदी है, जिवें कि मैटल डिटेक्टर ते फेस रिकोगनाइजेशन ते नाल दी नाल इत्थे ड्रोन दी वी वरतों कीती जांदी है। अजिहा नहीं कि चीन दे विच टॉप दे एग्जाम दे लई अजिही सख्ती हुंदी है, बल्कि इत्थे हर इक एग्जाम इन्नी ही सख्ती दे नाल लिया जांदा है। एक आदमी का आईपैड 48 सालों के लिए लॉक हो गया। वो आदमी अपने आईपैड को घरे रख के भुल गया सी ते उसके जाने तो बाद उसके बच्चे ने उसके आईपैड को बहुत ज्यादा बार अनलॉक करने की कोशिश की। इसके कारण आईपैड 25 मिलियन मिनट भाव के 48 सालों के लिए लॉक हो गया। तुसी आम ही देखिया होगा कि हर एक बारबर शॉप के अंदर एक टीवी हुंदा है, पर इस बारबर शॉप के अंदर एक किताबों की लाइब्रेरी है। जेकर कोई व्यक्ति इन्हां किताबों नूं जेन्युइनली पढ़ता है तो उसे 30% डिस्काउंट भी मिलता है। तो यह 30% डिस्काउंट लैण दे लई इस बारबर शॉप के उत्ते जिहड़ा भी इंसान आउंदा है वह किताब जरूर पढ़ता है। पेंसिलवेनिया के एक स्कूल ने अपने स्कूल के अंदर पढ़ रहे सारे 2003 विद्यार्थियों मैक बुक दित्तियां सन। बच्चों के मापियां नूं लग्या कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासा वधिया लगन, इस करके स्कूल ने उन्होंने बच्चों मैक बुक दित्तियां ने। पर असल दे विच इन्हां मैक बुक के राही स्कूल बच्चों के उपर नज़र रखना चाहता है कि उन्होंने बच्चे दिन भर की करते हैं तो इंटरनेट के उपर वो की सर्च करते हैं। जानकि साफ शब्दों के कही तो स्कूल अपने बच्चों की जसूसी कर रहा है। यह बच्चों की प्राइवेसी के लिए खतरा से, जदों इसका पता सरकार को लग्या तो इस स्कूल बहुत भारी जुर्माना देना पड़ा। एक व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर अपने आप को गोली मार ली सी। ये एक वकील सन ते इन्हां दा नाम क्लीमेंट सी। असल दे विच कोर्ट नूं दसना चाहुंदे सन कि मरे हुए व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने गलती दे नाल अपने आप को इस तरह गोली मार ली सी। ये साबित करन दे चक्कर दे विच इस वकील ने अपने आप को सचमुच गोली मार ली। उन्हां दी मौत तां हो गई पर वो केस जित गए। तुसी अपने दोस्तों के नाल यूट्यूब के उपर कई तरह की वीडियो शेयर करते होवोगे, पर कई बार अजिहा होंदा है कि तुसी अपने दोस्तों उस वीडियो के विचों कोई खास पार्ट ही दिखाना चाहते हो, जिवें कि 2 मिनट 16 सैकंड तो तुसी अपने दोस्त नूं ये वीडियो दिखाना चाहते हो, तो तुहानूं उस यूट्यूब वीडियो के लिंक के लास्ट के DT इक्वल टू जिन्ने भी तुसी मिनट लिखना चाहते हो उन्ने लिख सकते हो। तुहाडी वीडियो उन्ने मिनट तो ही चलेगी। जदों ये वीडियो तुहाडे दोस्त कोल जाएगी, जदों इस दे उपर क्लिक करेगा, जिन्ने मिनट तुसी लिखिया होगा उन्ने मिनट तो ही उसकी ये वीडियो स्टार्ट होगी। पाउज लाइक मी एक कमाल की वैबसाइट है। यह वैबसाइट तुहाडे हिसाब दे नाल तुहाडे लई एक बेस्ट डॉग चुनती है, जिवें कि तुहाडी पर्सनैलिटी किहो जी है, जिस जगह पर तुसी रहने हो उत्थों दा वातावरण किहो जिहा है, उस हिसाब दे नाल इह तुहाडे लई डॉग चुनती है। ते नाल ही इह डॉग की ब्रीड तुहाडे नेड़े तेड़े कित्थों मिल सकती है यह भी दसदी है। हुण तुसीं इह स्नो दे गोलियां नूं देखो, इस नूं देख के लगदा होवेगा कि इह इंसानां ने बणाए ने, पर इह कुदरती अजिहे बणे ने। इह अजिहे हवा ते ग्रैविटी दे कारण बणदे हन। तुसी अजिहा ऐड कितें नहीं देखा होगा। सनसिल्क ने अपने शैंपू को कुछ अजिही तरह के प्रमोट किया। इस ऐड राही वो यह दिखाना चाहते सन कि उन्हों का शैंपू बालों को कितने स्ट्रोंग बनाता है, तो उन्होंने इस दे नाल फर्क भी पिया। उन्होंने इस ऐड तो बाद उन्होंने शैंपू की विक्री भी काफ़ी बढ़ गई सी। एक काफ़ी कमाल का फैक्ट है कि फेसबुक को अपने पहले 5 करोड़ यूजर बनाने के लिए 2 साल का टाइम लग गया सी। यूट्यूब को अपने 5 करोड़ यूजर बनाने के लिए 10 महीने लगे सन, और ट्विटर को अपने 5 करोड़ यूजर बनाने के लिए सिर्फ 9 महीने लगे सन। यह एक कमाल की फोटो है। इसनों देख के इस तरह लगता है कि जिवें यह एक फिल्म का सीन हो, पर यह बिल्कुल असली फोटो है। इसनों 30 फुट की दूरी तो बिल्कुल उस टाइम पर क्लिक किया गया जो शेर इतने आके परफेक्टली खड़ गया सी। इस फोटो को साइमन नेडहम नाम के एक फेमस फोटोग्राफर ने खिंचया है। यह एक मनोविज्ञानिक फैक्ट है कि जिहड़ा आदमी अजिहे सुपने देखता है कि जेकर अजिहा हो जाए तो कितना वधिया होगा। साफ शब्दों के आप कही कि जिहड़ा आदमी ख्याली पलाओ ज़्यादा बनाता हो, उस आदमी के बहुत ज़्यादा चांस होंगे ने कि वह कोई क्रिएटिविटी आइडिया सोचेगा तो अपनी जिंदगी दे विच सफल हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि ख्याली पकाओ बना इन्नी बुरी आदत नहीं है। इस तोते नूं अपना रंग पता है, इसका नाम एलेक्स है। इसनूं स्मार्ट एनिमल कहा जाता है। सारे उस टाइम हैरान हो गए सन जो एलेक्स ने अपने मालक नूं पुछया कि उसका रंग केड़ा है, तो जो इसके मालक ने दसिया कि उसका रंग ग्रे है, तो हुण जेकर कोई इसनूं पुछता है कि तेरा रंग केड़ा है तो यह दस दिंदा है कि मेरा रंग ग्रे है। जेकर तुहाडे घर भी तारा इस तरह के उड़चियां पईआं ने तो तुहानूं उन्हां नूं अलग अलग करन दे विच मुश्किल आउंदी है, तां तुहानूं तारां दे उपर रंगदार इलैक्ट्रिक टेप लगा देनी चाहीदी है। यह रंगदार टेप नूं तार दे शुरू दे विच अते लास्ट दे विच लगाओ। इस दे नाल तुहानूं बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि यह वायर किस चीज़ की है। इसलिए तुहानूं अलग अलग शेड दीआं टेपां दी वरतों करनी चाहीदी है, जिस दे नाल तुसीं इन्हां नूं आसानी दे नाल पहचान सको। पोलैंड दे विच इस तरह के कमाल दे स्ट्रक्चर हन। इन्हां नूं प्लास्टिक मैटल अते रबड़ दीआं चीज़ां दे नाल बनाया गया है।
दुबई ने पिछले कुछ सालों तो कितनी ज्यादा तरक्की की है इसका अंदाजा तुसी इन फोटुआं तो लगा सकते हो। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ दुबई के अंदर जी टोयोटा की बिल्डिंग से कुछ अजही दिखाई दिंदी सी। हुण तुसी इह फोटुआं दे विच देखो 20-25 सालों बाद उस बिल्डिंग का आला दुआला कितना बदल गया है। दुबई की यह फोटो 2016 की है, जेकर 2022 की फोटो के नाल कंपेयर करांगे तां इह होर भी ज्यादा बदल गया होगा। जैबरा नूं तुसी हमेशा ब्लैक अते वाइट धारियां दे विच ही देखिया होगा, पर की तुसी कदे इस तरह का जैबरा देखिया है? इस जैबरे दे विच ब्लैक एंड वाइट धारियां नहीं होंदियां, बल्कि ब्लैक दे उपर वाइट डॉट होंदे ने। यह वाइट डॉट वाला पैटर्न इन्हां दे अंदर एक खास तरह के जनैटिक म्यूटेशन के कारण आता है। गिटार दे विच तुसी ये बड़े बड़े होल जरूर देखे होणगे, पर की तुहानू पता है कि इन्हां दा काम की हुंदा है? असल दे विच इन्हां दा काम हुंदा है आवाज नू बाहर कढ़ना। जदों गिटार दी स्ट्रेंथ नू खिंचिया जांदा है तां वाइब्रेशन होल दे अंदर जांदी है, उस दे नाल ही आवाज आउंदी है। जेकर गिटार दे अंदर ये होल नहीं होणगे तां गिटार दे विचों आवाज नहीं आवेगी। गिटार दे अंदर कोई स्पीकर नहीं हुंदा, इसलिए इस दी शेप आवाज कढ़ना ते एम्पलीफायर करन दे लई मदद करदी है। जेकर आपां मॉडर्न इलैक्ट्रिक गिटारां दी गल करिए तां उहनां दे विच ये होल नहीं हुंदे, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक तौर ते सिद्धे गिटार दे स्पीकरां तों वजते हैं, इस करके उन्होंने होल की जरूरत नहीं होंगी। तुसीं कई बार सुनिया होगा कि कुरकरे के अंदर प्लास्टिक होंदा है, हुण तुहानूं दसदे हां कि इस दे विच कितनी सच्चाई है। देखिया जाए तो यह बिल्कुल भी सच नहीं है, यह एक मिथ है जिसके उपर कई लोग विश्वास करते हैं। कई लोग यह साबित करने के लिए कि कुरकरे के अंदर प्लास्टिक होंदा है उसनूं जला देंदे हैं, तो वह कहते हैं कि यह जल गया, इस दे अंदर प्लास्टिक है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। इस गल नूं बहुत पहला साबित कर दिता गया कि कुरकरे के अंदर प्लास्टिक नहीं होंदा। असल दे विच कुरकरियां नूं बनाउण दे लई चौलां दे नाल नाल होर भी कई तरह के ग्रेन की वरतों की जाती है, बिल्कुल एक पापड़ की तरह। तो पापड़ नूं भी जेकर आपां अग उसनूं भी कुरकरियां की तरह अग लगेगी। तो इतों आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह तो नहीं कि पापड़ भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, इसलिए सब झूठिया अफवाहों ने कि कुरकरे के अंदर प्लास्टिक होंदा है, जबकि अजिहा कुछ नहीं होंदा। इस सांझी जिस दुनिया के आप रहने उसके बारे कुछ रोचक दा तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। साडे यूट्यूब के चैनल जो टीम जरूर सबसक्राइब करना, फेसबुक के पेज जो टीम जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।